इस पॉडकास्ट ते तुहाडा स्वागत ते मैं तुहाडा अपना शायरी यार। अज दे इस प्रोग्राम तुसी सुनोगे मकबूल हिंदी लेखक भीषम सानी दी लिखी हुई कहानी चीफ दी दावत। अज मिस्टर शामनाथ दे घर चीफ दी दावत सी। शामनाथ अते उदी पत्नी नू मुड़का पूंजन दी भी वेल नहीं सी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहनी, उलझे हुए वालां दा जूड़ा बनाई, मुंह ते फैली लिपस्टिक अते पाउडर नू पलाई अते मिस्टर शामनाथ सिगरट अते सिगरट फूकदे हुए चीजां दी लिस्ट हाथ विच फड़ी एक कमरे तो दूजे कमरे विच आ जा रहे सन। आखिर 5 वजदे वजदे तैयारी पूरी हो गई। कुर्सियां, मेज, तपाइयां, नैपकिन, फुल सब कुछ वरांडे विच आ गया। ड्रिंक दा प्रबंध बैठक विच कर दिता गया। घर दा फालतू समान अलमारियां दे पिछे अते पलंग हेठां छुपाया जान लगा। उदों ही शामनाथ दे सामने अचानक एक अड़चन आ खड़ी हुई। मां दा की करिए? इस गल वल ना तां उहदा अते ना ही उदी माहिर पत्नी दा ध्यान गया सी। मिस्टर शामनाथ श्रीमती वल मुड़ के अंग्रेजी विच बोलिया, मां दा की करिए? श्रीमती कम करदी करदी रुक गई अते कुछ सोचण पिछों बोली, इन्हां नूं पिछले पासे इन्हां दी सहेली दे घर भेज दिओ, रात भावें उत्थे ही रहण, कल नूं आ जाणगे। शामनाथ सिगरट मूँह विच दवाई सुंगड़ियां अखां नाल श्रीमती दे मूँह वल वेखदा होया कुछ चिर सोचदा रहा ते फिर सिर मार के बोलिया, नहीं, मैं नहीं चाहुंदा कि उस बुढ़ी दा आउणा जाणा फिर इत्थे शुरू हो जावे। पहलां ही बड़ी मुश्किल नाल बंद कीता सी। मां नूं कह दिंदे आं कि छेती खाणा खा के शाम वेले ही अपनी कोठी विच चले जाण, मेहमान तां किते 8 वजे आउणगे, उन्हां दे आउण तों पहलां ही कम नबेड़ लैण। सुझा ठीक सी, दोहां नूं पसंद आया। पर फिर अचानक श्रीमती बोली, जे उह सौ गए अते नींद विच कुराड़े मारन लगे फिर? नाल ही तां वरांडा है जिथे मेहमान खाणा खाणगे, तां इन्हां नूं कह दिंदे आं कि अंदरों दरवाज़ा बंद कर लैण, मैं बाहरों ताला ला देंगा, जां मां नूं कह दिंदा हाँ कि अंदर जाके सौण ना, बैठे रहन, होर की। ते जे सौ गए फिर? डिनर दा की पता है कदों तक चले? 11-11 बजे तक तां तुहाडी ड्रिंक चलदी रहिंदी है। शामनाथ कुछ खिज गया, हाथ मारदा होया बोलिया, चंगे भले इह भरा कोल जा रहे सन, तू एवें ही चंगी बणन लई विच लत्त अड़ा दित्ती। वाह बई वाह, मैं तुहाडे मां पुत दे मामले विच क्यों बुरी बणा? मैनू की, तुसी जाणो जां ओ जानण? मिस्टर शामनाथ चुप कर गया। ये मौका बहस दा नहीं सी, समस्या दा हल लभना पैना सी। उसने घुम के मां दी कोठड़ी वल वेख्या। कोठड़ी दा दरवाजा बरांडे विच खुलदा सी। बरांडे वल वेख के उह तुरंत बोलिया, मैं सोच लिया है। अते उन्ना ही कदमां नाल मां दी कोठड़ी दे बाहर जा खड़ा होया। मां कंध दे नेड़े एक पीड़ी ते चुन्नी नाल मूँह सिर ढकी माला फेर रही सी। सवेर तों तैयारी हुंदी वेखदिआं मां दा दिल भी धड़क रहा सी। बेटे दे दफ्तर दा वड्डा साहिब घरें आ रहा है, सारा कम ठीक ठाक निपट जाए। मां, अज तुसीं रोटी छेती खा लिओ, मेहमान 7:30 वजे आ जाणगे। मां ने हौली जिही मूँह तों चुन्नी परे कीती अते बेटे वल वेखदिआं कहा, अज मैं रोटी नहीं खाणी पुत, तैनूं तां पता ही है मास मच्छी बने तां मैं कुछ नहीं खांदी। चलो जो भी होवे अपना कम छेती नबेड़ लैणा। ठीक है बेटा। ते मां, असीं पहलां बैठक विच बैठांगे, उन्ना चिर तुसीं इत्थे बरांडे विच बैठे रहना। जदों असीं इत्थे आए तां तुसीं गुसलखाने दे रस्ते विचों बैठक विच चले जाणा। ठीक है पुत। ते मां, अज छेती ना सौणा, तुहाडे घराड़ियां दी आवाज़ दूर तक जांदी है। मां झिझक नाल बोली, की करां पुत, मेरे वस दी गल नहीं, जदों तो बीमार होके हटियां नक राही साह नहीं लै सकदी। मिस्टर शामनाथ ने प्रबंध तां कर दिता, फिर भी उसकी घबराहट खत्म नहीं सी हुई। जे चीफ अचानक उधर आ गया फिर 8-10 मेहमान होणगे, देसी ऑफिसर, उन्हां दीआं पत्नियां भी होणगीआं, कोई भी गुसलखाने वल जा सकदा है। घबराहट अते गुस्से विच उह सिर खुरकन लग पिया।
एक कुर्सी चुक के बरांडे विच कोठड़ी दे बाहर रखदिया बोलिया, आओ मां इस ते जरा बैठना। मां माला संभालदी पल्ला ठीक करदी उठी ते हौली जही कुर्सी ते आके बह गई। इओ नहीं मां, लत्तां उत्ते करके थोड़ी बैठी दे, ये मंजा थोड़ा है। मां ने लत्तां हेठां कर लईआं ते रब करके नंगे पैरी ना तुरियो, ना ही खड़ावां पाके सामने आयो, एक दिन मैं तुहाडियां ओ खड़ावां चुक के बाहर सुट देंगा। मां चुप रही। कपड़े किहड़े पाऊंगे मां? जिहड़े हन उही पावांगी बेटा, जो कहेंगा पहन लवांगी। मिस्टर शामनाथ सिगरट मूंह विच रखी फिर अद खुलियां अखां नाल मां वल वेखन लग पिया अते मां दे कपड़िया बारे कुछ सोचन लग पिया। शामनाथ हर गल विच तरतीब चाहुंदा सी, घर दा प्रबंध उहदे अपने हथ विच सी, खुंटियां कमरियां विच कित्थे लाईआं जाण, बिस्तरे कित्थे बिछाए जाण, किहड़े रंग दे परदे लाए जाण, पत्नी किहड़ी साड़ी पहने, मेज किस साइज दा होवे। शामनाथ नूं चिंता सी कि जे चीफ दा सामना मां नाल हो गया तां किते शर्मसार ना होना पै जावे। मां नूं सिर तों पैरां तक वेखदे होए बोलिया, तुसीं सफेद सलवार कमीज पहन लिओ मां, पहन के आओ तां जरा वेख लईए। मां हौली जिही उठी ते अपनी कोठड़ी विच कपड़े पहनण चली गई। इह मां दा भी झमेला ही रहेगा, उन्हें फिर अंग्रेजी विच अपनी पत्नी नूं कहा, कोई ढंग सिर दी गल होवे तां भी कोई कहे, जे किते पुठी सीधी गल हो गई चीफ नूं बुरा लग्या तां सारा स्वाद जांदा रहेगा। मां सफेद कमीज सलवार पहन के बाहर आई, छोटा जिहा कद, सफेद कपड़िया विच वलेटी, छोटा जिहा सुक्या होया शरीर, धुंधलियां अखां, सिर्फ सिर दे अद्धे झड़े हुए वाल सफेद पल्ले विच छुप गए सन। पहलां नालों कुछ ही घट करूप नजर आ रही सी ओह। चलो ठीक है, कोई चूड़ियां वगैरह होण तां ओह वी पहन लिओ, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियां? चूड़ियां कित्थों लियावां बेटा, तैनूं तां पता है सारे गहने तेरी पढ़ाई लई विक गए सन। इह वाक शामनाथ नूं तीर वांग वज्जिया, खिज के बोलिया, इह किहड़ा राग छेड़ दित्ता मां, सीधा कह दिओ गहने नहीं हन, बस इस नाल पढ़ाई लिखाई दा की संबंध है, जे गहने विक गए तां कुछ बण के ही आया हाँ, निरा लुटर तां नहीं बणिया, जिन्ना दित्ता सी ओह तो दुगणे लै लैणा। मेरी जीव सड़ जाए बेटा, मैं तेथों गहने मंगांगी? मेरे मूहों तां बस एवें ही निकल गया, जे गहने हुंदे तां लख वार पहन दी। 5:30 वज चुके सन, अजे मिस्टर शामनाथ ने आप भी नहा धो के तैयार होना सी। पत्नी कदों दी अपने कमरे विच जा चुकी सी। शामनाथ जांदा होया एक वार फिर मां नूं समझाउंदा होया कहण लगा, मां रोज वांगू गुम समझ ही ना बैठे रहना, जे साहिब इधर आ गए अते कुछ पुछन लगे तां ठीक तरह जवाब दे देना। मैं ना पढ़िया ना लिखिया बेटा, मैं की गल करूंगी, तू ही दस देवी कि मां अनपढ़ है, कुछ नहीं जानती समझती, फिर वह नहीं पुछेगा। 7:00 मां का दिल तक तक करन लग गया, जे चीफ सामने आ गया अते उन्हें कुछ पुछ लिया तां वह की जवाब देवेगी। अंग्रेज नूं तां वह दूरों ही वेख के घबरा जाती सी, इह तां अमरीकी है, पता नहीं की पुछ लवे, मैं की कहांगी। मां दा दिल कीता कि चुप चाप पिछले पासे विधवा दी सहेली दे घर चली जावे, पर बेटे दे हुक्म नूं किवें टाल सकदी सी। चुप चाप कुर्सी उत्ते लत्तां लटकाई वह उत्थे ही बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह हुंदी है जिस विच ड्रिंक कामयाबी नाल चल जावे। शामनाथ दी पार्टी सफलता दी सिखर ते सी, गलबात उसे रूटीन विच चल रही सी जिस रूटीन विच ग्लास भरे जा रहे सन, किते कोई रुकावट नहीं, कोई अड़चन नहीं। साहिब नूं विस्की पसंद आई सी, मेम साहिब नूं पर्दे पसंद आए सन, सोफा कवर दा डिजाइन पसंद आया सी ते कमरे दी सजावट पसंद आई सी। इस तों वध होर की चाहिदा सी। साहिब तां ड्रिंक दे दूजे दौर विच ही चुटकले अते कहानियां सुनाउण लग पए सन। दफ्तर विच जिन्ना रोब रखदे सन इत्थे उन्ना ही दोस्त नुमा हो रहे सन ओ। अते उन्हां दी पत्नी काला गाउन पहनी, गले विच सफेद मोतियां दा हार, सेंट अते पाउडर दी महक नाल ओतपोत कमरे विच बैठियां सारियां देसी औरतां दा केंद्र बिंदू बनी हुई सी। गल गल ते हसदी, गल गल ते सिर हिलाउंदी, ते शामनाथ दी पत्नी नाल तां इउं गल्लां कर रही सी जिवें ओह उहदी पुराणी सहेली होवे। अते इउं ही पींदे पियाउंदे 10:30 वज गए सन, वक्त बीतदे दा पता ही ना चलिया।
आखिर सारे जाने आपो अपने गलासां चों आखरी घुट पी के खाना खान लई उठे अते बैठक तो बाहर आ गए। सब तो मूहरे राह दसदा होया शामनाथ, पिछे चीफ अते होर मेहमान। बरांडे विच पहुंचदे ही शामनाथ अचानक रुक गया। जो दृश्य उन्हें वेख्या उस नाल उहदियां लत्तां कंबन लगियां अते पल भर विच सारा नशा कफूर होन लगा। बरांडे विच ऐन कोठड़ी दे बाहर मां अपनी कुर्सी उत्ते ज्यों दी त्यों बैठी सी, पर दोवें पैर कुर्सी दी सीट ते रखे हुए सन अते सिर सज्जे तो खब्बे, खब्बे तो सज्जे झूल रहा सी अते मूँह चों लगातार घुराड़ियां दी आवाज आ रही सी। जदों सिर कुछ चिर लई टेढ़ा होके एक पासे वल खड़ जांदा तां घुराड़े होर भी उच्ची हो जांदे अते फिर जदों झटके नाल नींद टुटदी तां फिर सिर सज्जे तो खब्बे झूटे लैण लगदा। पल्ला सिर तों खिसक गया सी अते मां दे चढ़े हुए वाल अद्धे गंजे सिर ते खिलरे पए सन। वेखदिया ही शामनाथ गुस्से विच आ गया। जी कीता कि मां नूं धक्का मार के उठा देवे अते उहनूं कोठड़ी वल धक्क देवे, पर इउं करना संभव नहीं सी। चीफ अते बाकी मेहमान कोल खड़े सन। मां वल वेखदिया ही देसी अफसरां दियां कुछ औरतां हस पईआं। इन्ने विच चीफ ने हौली जिहे कहा, पुअर डियर। मां घबरा के उठ गई। सामने खड़े इन्ने लोगों नूं वेख के इउं बुखलाई कि कुछ ना बोल सकी। तुरंत पल्ला सिर ते रखदी हुई खड़ी हो गई अते हेठां वल वेखन लग पई। उसदे पैर थड़कन लगे अते हत्थां दियां उंगलां थर थर कंबन लगियां। मां, तुसी जाके सौ जाओ, तुसी क्यों इन्नी देर तक जाग रहे सी? अते बचकाना जिहियां नजरां नाल शामनाथ चीफ दे मूँह वल वेखन लग्या। चीफ दे चेहरे ते मुस्कुराहट सी। उह उत्थे ही खड़े खड़े बोले, नमस्ते। मां ने झिझक विच अपने सुंगड़े हुए दोवें हथ जोड़े, पर एक हथ चुन्नी दे अंदर सी माला फेरदा होया, दूजा हथ बाहर। वह ठीक तरह नमस्ते भी ना कर सके। शामनाथ इस ते भी खिज गया। इन्ने विच चीफ ने अपना सज्जा हथ मिलाउण लई मां दे अगे कर दिता। मां होर भी घबरा गई। मां, हथ मिलाओ। पर हथ किवें मिलाउंदी? सज्जे हथ विच तां माला सी। घबराहट विच मां ने खब्बा हथ ही साहिब दे सज्जे हथ उत्ते रख दिता। शामनाथ अंदरों अंदरी मच गया। देसी अफसरां दियां औरतां खिड़खड़ा के हस पईआं। इउं नहीं मां, तुहानूं नहीं पता कि सज्जा हथ मिलाईदा है? सज्जा हथ मिलाओ। पर उदों तक चीफ मां दा खब्बा हथ ही वार वार हिला के कह रहे सन, हाउ डू यू डू। बोलो मां, मैं ठीक हाँ। कहो मां, हाउ डू यू डू। मां झिझकदी हुई हौली हौली बोली, हू डू यू डू। एक बार फिर कह कहा गूंजिया। माहौल खुशगवार होन लग्या। साहिब ने स्थिति संभाल ली सी। सारे ही हसन चहकन लग पए सन। शामनाथ दे मन विच गुस्सा भी कुछ कुछ घट हो रहा सी। साहिब ने मां दा हथ अजे भी अपने हथ विच फड़िया होया सी अते मां सुंगड़दी ही जा रही सी। साहिब दे मूँह चों शराब दी बो आ रही सी। शामनाथ अंग्रेजी विच बोलिया, मेरी मां पिंड दी रहण वाली है, सारी उम्र पिंड ही रही है, ए इस लई तो हथों झिझकदी है सर। साहिब इस ते खुश नजर आए, बोले, अच्छा, मैनू तां पिंडां दे लोग बहुत पसंद ने, फिर तां तेरी मां गीत अते नाच भी जानदी होवेगी। चीफ खुशी विच सिर हिलाउंदे होए मां नूं टिकटिकी लाई वेखण लग पिया। मां, साहिब कहिंदे ने कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुहानूं तां बथेरे याद होणगे। मां हौली जिहे बोली, मैं की गावां बेटा, मैं कदों गाउंदी आं। वाह मां, मेहमान दा आख्या भी कोई टालदा है? साहिब ने इन्नी इच्छा नाल कहा, नहीं गाओगे तां साहिब नूं बुरा लगेगा। मैं की गावां पुत, मैनू की आउंदा है? वाह, कोई वधिया जिहे टप्पे ही सुना दिओ, दो पत्तर अनारां दे। देसी अफसरां अते उन्हां दीआं बीबियां ने इस सुझाअ ते खूब ताड़ियां बजाईआं। मां कदे दीन नजरां नाल बेटे दे मूँह वल वेखदी अते कदे नेड़े खड़ी नूँह दे मूँह वल। इन्ने विच बेटे ने गंभीर हुक्मिया अंदाज विच कहा, मां, इस तों बाद तां हां ना दा सवाल ही नहीं सी उठदा। मां बैठ गई अते पतली मरियल कंबदी आवाज विच एक पुराना व्याह गीत गाउण लग पई। हरिया नी माए, हरिया नी भैणे, हरिया ते भागी भरिया, जिस दिहाड़े मेरा हरिया नी जम्मिया, सोईओ दिहाड़ा भागी भरिया। कोल खड़ियां औरतां खिड़खड़ा के हसियां। दो तीन पंक्तियां गा के मां चुप कर गई। बरांडा ताड़ियां नाल गूंज उठिया।
साहिब ने ताड़ियां बजाउणियां बंद ही ना कीतियां। शामनाथ की खिज हुण खुशी अते माण विच बदल गई सी। मां ने पार्टी विच नवा रंग भर दिता सी। ताड़ियां रुकण ते साहिब बोले, पंजाब दे पिंडां दी दस्तकारी की है? शामनाथ खुशी विच झूम रहा सी, बोलिया, बहुत कुछ है साहिब। मैं तुहानूं एक सैट उन्हां चीज़ां दा भेट करांगा, तुसीं उन्हां नूं वेख के खुश हो जाओगे। पर साहिब ने सिर हिला के अंग्रेजी विच फिर कहा, नहीं, मैं दुकानां दीआं चीज़ां नहीं मंगदा। पंजाबियां दे घरां विच की बनदा है, औरतां खुद की बनाउंदियां हन। शामनाथ ने कुछ सोच के बोलिया, कुड़ियां गुड़ियां पटोले बनाउंदियां ने, औरतां फुलकारियां बनाउंदियां ने। फुलकारी ये की हुंदी है? शामनाथ फुलकारी का मतलब समझाउण की असफल कोशिश करन पिछों मां नूं बोलिया, क्यों मां, अपने घर कोई पुरानी फुलकारी पई है? मां चुपचाप अंदर गई अते अपनी पुरानी फुलकारी चुक ली। साहिब बड़ी दिलचस्पी नाल फुलकारी देखन लग पया। पुरानी फुलकारी सी, थां थां तों उहदे धागे टुट रहे सन अते कपड़ा भी पाट रहा सी। साहिब दी दिलचस्पी वेख के शामनाथ बोलिया, ये पाटी हुई है साहिब, मैं तुहानूं नवीं बना देंगा, मां बना देंगे। क्यों मां, साहिब नूं फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हां नूं अजिही ही फुलकारी बना दोगे ना? मां चुप रही, फिर डरती डरती हौली जिही बोली, हुण मेरी नज़र कित्थे है पुत, बुढ़ियां अखां नाल मैं की वेखांगी, किवें बनावांगी? साहिब ने सिर हिलाया, धन्नवाद किया अते हौली हौली झूमदे हुए खाने दे मेज वल वध गए। बाकी मेहमान भी उन्हां दे पिछे हो तुरे। जदों मेहमान बह गए अते मां तों सारयां दा ध्यान हट गया, तां मां हौली जिही कुरसी तों उठी अते सारयां तों नज़रां बचाउंदी हुई अपनी कोठड़ी विच चली गई। पर कोठड़ी विच जाण दी देर ही सी कि अखां विचों छम छम हंझू वगण लगे। उह चुन्नी नाल वार वार अखां पूंझदी, पर उह वार वार वग तुरदे जा रहे सन, जिवें वरियां दा बन्न तोड़ के बह रहे होण। मां ने बहुत दिल नूं समझाया, हथ जोड़े, रब दा नां लिया, बेटे दे चिरंजीव होण दी अरदास कीती, वार वार अखां बंद कीतियां, पर हंझू बरसात दे पाणी वांग जिवें रुकदे ही नहीं सन। अद्धी रात दा वेला होवेगा, मेहमान खाना खा के एक एक करके जा चुके सन। मां कंध नाल लगी अखां अड्डी कंध नूं वेखी जा रही सी। घर दे माहौल दा तनाव ढिल्ला पै चुका सी। मोहल्ले दी खामोशी शामनाथ दे घर उत्ते भी छा चुकी सी। सिर्फ रसोई विच प्लेटां खड़कण दी आवाज़ ही आ रही सी। उदों ही अचानक मां दी कोठड़ी दा बूहा जोर जोर नाल खड़कण लग्या, मां बूहा खोलो। मां दा दिल बैठ गया, घबरा के उठी कि मैथों फिर कोई गलती हो गई है। मां किन्ने चिर तों खुद नूं कोस रही सी कि उसनूं नींद क्यों आ गई सी, क्यों उह उंगल लग पई सी, कि बेटे ने अजे तक उसनूं माफ नहीं सी कीता। मां उठी अते कंबदे हत्थां नाल बूहा खोलिया। दरवाजा खोलदिआं ही शामनाथ झूमदा होया अगे वधिया अते मां नूं गलवकड़ी विच कस लिया। ओ मां, तुसीं तां अज रंग बन्न दिता, साहिब तों हत्थों इन्ना खुश होया कि की दसां। ओ मां, डियर मदर। मां दा निक्का जिहा जिसम सुंगड़ के बेटे दी गलवकड़ी विच छुप गया। मां दीआं अखां विच फिर अंजू आ गए। उन्हां नूं पूंझदी हुई ओ हौली जिही बोली, बेटा, तू मैनूं हरिद्वार भेज दे, मैं कदों दी तैनूं कह रही हाँ। शामनाथ दा झूमना अचानक बंद हो गया, उहदियां त्योड़ियां चढ़ गईआं, उहदियां बाहवां दी जकड़ मां दे शरीर तों ढिल्ली हो गई। की कहा मां, इह किहड़ा राग तुसीं फेर छेड़ लिया? शामनाथ दा गुस्सा वधन लग पिया, बोलदा रहा, तुसीं मैनूं बदनाम करना चाहुंदे हो मां, तुसीं जाण बुझ के हरिद्वार चले जाणा चाहुंदे हो तां कि दुनिया कहे कि बेटा मां नूं अपने कोल ना रख सकिया। नहीं बेटा, हुण तू अपनी पत्नी नाल जिवें मर्जी रह, मैं अपना खा हंडा लिया, हुण इत्थे की करांगी, अजे कुछ दिन जिंदगी दे बचे ने, रब दे नां लावांगी, तू बस मैनूं हरिद्वार भेज दे। तुसी चले जाओगे ते फुलकारी कौन बनावेगा? साहिब नूं तुहाडे सामने ही फुलकारी देण दा वादा कीता है मैं, मेरियां अखां कित्थे कम करदियां ने हुण बेटा, जो फुलकारी बना सकां तू कितों होर बनवा लई जां बनी बनाई लै लई। मां, तुसी मैनूं धोखा दे के इउं चले जाओगे, मेरा बनदा कम बिगाड़ के रख दोगे, पता नहीं जे साहिब खुश होएगा तां ही मैनूं तरक्की मिलेगी। मां चुप कर गई, फिर बेटे दे मूंह वल वेखदी हुई बोली, हैं, तेरी तरक्की होवेगी कि साहिब तेरी तरक्की कर देवेगा,
कि उन्हें अजिहा कुछ किया है? क्या था भावें नहीं, पर तुसी वेख्या नहीं सी कि ना खुश हो गया सी। ओ कहिंदा सी जदों तेरी मां फुलकारी बनाउणा शुरू करेगी तां मैं वेखण आवांगा कि किवें बनाउंदी है ओ। जे साहिब खुश हो गया तां मैनूं इस तों वड्डी नौकरी मिल सकदी है, मैं वड्डा अफसर बन जावांगा। मां दे चेहरे दा रंग बदलन लग्गिया, हौली हौली उहदा झुरड़ियां भरिया चेहरा खिड़न लग पिया, अखां विच थोड़ी थोड़ी चमक आउण लगी। बोली, तां तेरी तरक्की होवेगी बेटा, तरक्की इउं ही हो जाएगी, साहिब नूं खुश रखांगा तां ही कुछ बनेगा, नहीं तां उहदी सेवा करन वाले होर घट ने, तां मैं बना देंगी बेटा, जिवें किवें वी मैं बना देंगी। मां दिल ही दिल विच फिर तों बेटे दे उज्जवल भविख दीआं कामनावां करन लग पई। अते मिस्टर शामनाथ, हुण सौं जाओ मां, कहिंदा होया लड़खड़ाउंदे कदमां नाल अपने कमरे वल चल पिया। शुक्रिया।